Greetings of the day, dear students. I welcome you all in today's video. Today we will read a poem called A Tiger in the Zoo. It is written by Leslie Norris. In this poem, the poet talks about the difference between tiger in the zoo. One tiger lives in a zoo and the other one lives in his natural habitat, where that tiger actually belongs to. I'm sure you will enjoy this video, this poem also. So let's begin. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. The poet starts the poem by referring the tiger as he. So here, the tiger is personified. He stalks in his vivid stripes. Vivid means bright. Stalks means to follow someone. छुपकर किसी का पीछा करना या किसी के बारे में पता लगाना स्टॉकिंग कहलाता है. He stalks in his vivid stripes. छुपकर अपने ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ वो पीछा करता है. The few steps of his cage. Few steps, why? Because the cage where he is a small area और वो ज़्यादा steps नहीं ले सकता. So that's why few steps of his cage. On pads of velvet quiet. Velvet is a very soft kind of material we use for clothing. We use it for making sofas and all. उसके लिए हम use करते हैं. The few steps of his cage, because the cage is small and he can only take few steps. उसके बाद his steps are quiet because he has velvety or furry paws. जो उसके जो फर होते हैं उसकी वजह से उसके जब वो walk करता है तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही. Okay? In his quiet rage. Quiet, rage are two opposite words. Quiet means शांत रहना and rage means anger, गुस्सा. Quiet, rage opposite है दोनों एक दूसरे के और हमने साथ में use किए हैं. ठीक है? Let's have a look at our poetic devices. These are the poetic devices, यानी literary devices. Rhyming scheme. Let's see what the rhyming scheme is. Stripes, A. Cage, B. Quiet, C. अभी तक कोई भी राइम नहीं हुआ. एंड रेज, रेज केज के साथ राइम हो रहा है, दैट्स व्हाई बी. सो योर राइमिंग स्कीम वुड बी ए बी सी बी, राइट? ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच वी यूज टू ऑपोजिट वर्ड्स, टू ऑपोजिट एडजेक्टिव्स एट द सेम टाइम फॉर द सेम थिंग, फॉर द सेम नाउन. हमने क्वाइट रेज, क्वाइट शांत, रेज मतलब गुस्सा, शांत गुस्सा हमने साथ में यूज़ किया. इसका एक एग्जाम्पल और देती हूँ. इसका एक एग्जाम्पल है कम्प्लीटली एम्प्टी. तो बॉटल इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, एम्प्टी मतलब खाली. तो दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन किसका हुआ यहाँ पर? टाइगर का, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन में देखा ही वॉज रेफर्ड टू एज ही. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर वेलवेट का हुआ है, उसके पॉज को वेलवेट बोला है उसको चेंज करके. नेक्स्ट इज एंजॉयमेंट. एंजॉयमेंट इज व्हेन वन लाइन कंटिन्यूज इन द अदर विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. फर्स्ट लाइन में ऐसा हुआ है. लेट्स हैव अ लुक एट सेकंड स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. इन फर्स्ट स्टैंजा द डिस्क्रिप्शन वॉज ऑफ अ टाइगर इन द जू. पहले पैराग्राफ में जो डिस्क्रिप्शन था वो एक जू वाले टाइगर का था, हु वॉज कन्फाइंड इन अ केज. हियर अ टाइगर ऑफ फॉरेस्ट इज एक्सप्लेन्ड. फॉरेस्ट का जो टाइगर है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है उसको एक्सप्लेन किया है. लाइन वन देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग मीन्स, लर्किंग का मतलब होता है किसी अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए छुपकर वेट करना और उसकी जैसे ही वो आए उस पर हमला कर देना. लर्किंग इज पीकिंग, छुपकर वेट करना या किसी के ऊपर नज़र रखना. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग थ्रू मतलब कि ही शुड स्लोली स्लाइड और वॉक टू फॉलो द प्रे. वो वहाँ पर जो टाइगर है उसको ये काम करना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास. नियर द वॉटर होल वेयर प्लम डियर पास. आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के पास में डियर इकट्ठे होते हैं पानी पीने के लिए, और उसी टाइम पर टाइगर या फिर कोई ऐसा एनिमल जो जिनका प्रे डियर होता है वो वहाँ पर बैठकर वेट करते हैं और जैसे ही डियर आता है वैसे उसके ऊपर अटैक करते हैं. ठीक है? प्लम्प डियर. प्लम्प इज हेल्थी. हेल्दी डियर, वो वेट करे वहाँ पर खड़ा होकर ताकि हेल्दी डियर आए और वो उसको अटैक कर सके.
Next is this. Stanza 3. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अभी भी जो हमारा सेकेंड टाइप है टाइगर का, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, उसकी बात हो रही है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज. स्नार्लिंग मीन्स अग्रेसिव ग्राउल, मतलब वो दहाड़ते हुए यू नो ग्राउल करते हुए वहाँ पर उसको आसपास घरों के आसपास घूमना चाहिए. एट द जंगल्स एज, जंगल्स एज मतलब उस जंगल के किनारे. बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब उसके टीथ, उसके टीथ, शार्प टीथ को बोलते हैं फैंग्स. एंड बेरिंग मतलब टू एक्सपोज, अपने जो दांत हैं बड़े बड़े उनको दिखाते हुए. एंड हिज क्लॉज, अपने क्लॉज को एक्सपोज करते हुए. टेररिंग दी विलेज, मतलब जो विलेज में लोग रहते हैं उनको डराए, उनको स्केयर करे. द पोइट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बिन फ्री, अगर वो फ्री होता, ही वुड हैव डन ऑल दोज थिंग्स विच अ टाइगर इज सपोज टू डू, तो वो सारी चीजें करता जो एक टाइगर को करनी चाहिए. ही विल क्रिएट फियर अमंग द पीपल बिकॉज दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ अ टाइगर. वो लोगों के अंदर डर पैदा करता क्योंकि ये एक टाइगर का नेचर है, उसका फिरोशियस नेचर है. स्टैंजा नंबर 4. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. कॉन्क्रीट हियर मीन्स, कॉन्क्रीट आपको पता ही होगा, समथिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर, जो बहुत हार्ड सरफेस होता है. तो ऐसे कॉन्क्रीट सेल में है वो, जिसको वो तोड़ भी नहीं सकता. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी पावर है वो उस सेल या उस बार के पीछे है, उसकी जेल के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो अपने उस केज में ही इधर उधर घूम रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए. यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है, बिहाइंड बार्स. अभी तक जितने भी मैंने स्टार्टिंग में स्टैंजा 1 में आपको लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ाए, वो सब जगह फॉलो होंगे. आप अपने आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो. एक न्यू लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है, एलिट्रेशन, वो मैंने आपको अभी बता दिया. नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर दैट इज इनसाइड द केज. अब हमने अभी तक दो स्टैंजाज में, सेकेंड स्टैंजा एंड थर्ड स्टैंजा में देखा कि उसने बताया कि किस तरह से एक टाइगर को होना चाहिए अपने नेचुरल हैबिटेट में. बट इन फोर्थ स्टैंजा वो अपने जो जू वाला टाइगर है उसके बारे में फिर से बात करने लगा. सिंस ही इज ट्रैप्ड इन द कॉन्क्रीट केज, ही कैन नॉट टेररइज पीपल. वो एक कॉन्क्रीट सेल में कैद है, इसीलिए वो लोगों को डरा नहीं सकता. यूज ऑफ एलिट्रेशन हो गया. Let's move on to stanza number 5. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. वो सुनता है अपने कान लगाकर हर रात को the patrolling cars. Patrolling cars होती हैं, आपने देखा होगा, ज़्यादातर patrolling पुलिस करती है. वो रात को घूमती हैं to control the criminal activities. वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी रात भर चक्कर लगाती हैं, और उन पेट्रोलिंग कार्स का जो हॉर्न होता है, सायरन होता है, वो उस सायरन को सुनता है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है. द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन अ केज एंड देयर इज नथिंग ही कैन डू. उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता. ही जस्ट लुक्स अराउंड एंड फील्स सैड. वो आसपास देखता है और सैड फील करता है. He is trying to divert his thoughts towards them, और उनकी तरफ अपना ध्यान divert करने की कोशिश करता है, because there is nothing else he can do. यहाँ पर repetition हुआ है, that is another rhyming poetic devices, that is another poetic device, repetition. Brilliant word को दो बार use किया गया, दो बार repeat किया गया, that's why. So this was our poem where the poet describes the helplessness of a tiger. We've done the rhyming scheme in the first stanza. I want you to write the rhyming scheme of all the rest of the poem on your own. This is your homework. Your homework is to write the word meanings, literary devices, exercise questions, usme jo bhi question answers honge, and then analysis of the poem. Do the work by tomorrow and submit it to me. Thank you.